अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी और कई सवालात जन्म ले रहे हैं। इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं, कानूनी पहलू क्या हैं, क्या खतरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि तमाम सियासी जमातों के फॉरेन फंड्स की तहकीकात होनी चाहिए और समात होनी चाहिए, इकट्ठा होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इलेक्शन पाकिस्तान के तर्जुमान अल्ताफ खान साहब, इसके अलावा अकबर एस बाबर साहब जो दरख्वास्त गुजार हैं फॉरेन फंडिंग केस में, 5 साल से इस केस को परस्यू कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अल्ताफ साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ये बताया जा रहा है, अब शफकत महमूद साहब ने भी इस राय का इजहार किया था और हैरानगी का इजहार किया था कि क्या हो सकता है कि 15 दिन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 5 दिसंबर की रिटायरमेंट से कबल इस केस पर फैसला हो, मुमकिन है या नहीं? थैंक यू वेरी मच अंबर बीबी। सबसे पहली बात तो मैं एक थोड़ी सी कंफ्यूजन खत्म करना चाहता हूं आपकी वसातत से। वो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान साहिबान जो हैं उसकी रोजाना की बुनियाद पर हियरिंग कर रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरत हाल ये है कि एक स्क्रूटनी कमेटी बन गई थी। इसी स्क्रूटनी कमेटी ने मुख्तलिफ इजलास किए हैं और उसकी स्क्रूटनी जारी है जो फॉरन फंडिंग केस है। अब सूरत ये है कि 26 तारीख को जब उनकी हियरिंग हो रही है, यानी मतलब स्क्रूटनी कमेटी की जो हियरिंग हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये हुक्म किया है, डायरेक्शन इशू किया है कि ये जो स्क्रूटनी कमेटी है ये बाकायदा यानी रोजाना की बुनियाद पर इसकी हियरिंग कराए ताकि इस केस को जल्द अज जल्द मनदेखी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। तो ये तो एक कंफ्यूजन है, ये खत्म हो गया। ठीक है, स्क्रूटनी कमेटी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर इस केस को देखेगी, लेकिन एक यहाँ सवाल पैदा हो रहा है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से कबल फैसला मुमकिन है? देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा टेलीविजनों पर मैंने एक तरदीद भी किया है, एक वजाहत भी पेश की है कि ये जिस तरह आपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का नाम ले लिया कि उन्होंने कहा है कि 15 डेज की बात हुई है, ऐसी कोई 15 डेज की इसमें बिल्कुल बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत खबर है। 15 डेज का डायरेक्शन इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि रेगुलर बेसिस पर। रही बात इसकी कि एक दिन में होता है, 10 दिन में होता है, ये तो बहुत कबल अज वक्त है और नहीं आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन इट कि ये एक दिन में हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए और किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। हिदायत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर इसकी जो समात है उस पर है, लेकिन साथ साथ अल्ताफ साहब एक ये भी तासुर पैदा हो रहा है, सवालात उठ रहे हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाते हैं तो ये समाते हैं असर नौ होंगी या नहीं? देखिए, ये तो फिर से मैं कहूंगा अंबर बीबी की ये सिर्फ अगर और कंजक्चर्स पर बात हो सकती है। ये तो जब 5 तारीख आता है, सूरत हाल क्या बनता है उसी वक्त देखा जाएगा। इस वक्त इस प्रायर इस पर कोई बात करना जो है वो मुनासिब मुझे नहीं लगता। लेकिन जो जो स्क्रूटनी कमेटी है वो तो अपना काम जारी रख सकती है अगर फैसला नहीं भी आता। मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में आप देख रही है कि स्क्रूटनी कमेटी रोजाना की बुनियाद पर अपना काम जारी रख रही है। ठीक है, काम जारी रख सकती है, फैसला क्या आता है या नहीं उस पर भी अभी भी सवालात हैं और इस वक्त कयास आराइयां तो बहुत चल रही हैं। लेकिन दूसरी जानब एक और मामला है जिस पर आपसे वजाहत चाहती हूँ। अब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कंवर दिलशाद साहब, उनका मौकफ है कि फॉरन फंडिंग साबित होती है तो हो सकता है कि पार्टी तहलील कर दी जाए, लेकिन दूसरी जानब तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर साबित होता है तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि जो रकम है वो कौमी खजाने में जमा करवा दी जाएगी। कानून क्या कहता है? देखिए, कानून इसके हवाले से बिल्कुल क्लियर है। जो अगर कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो बिल्कुल पाकिस्तान की कानून के मुताबिक ही उसको डील किया जाता है, उसका एक तरीका है। लेकिन फॉरेन फंडिंग अलग है और फॉरेन एडेड जो एक तंजीम होती है वो अलहदा है, ये दोनों मामलात अलहदा हैं।
अगर अगर इसी तरह की सूरत हाल बनती है तो ये केस न कोई अफसर सुन रहा है ना किसी अफसर की बस की बात है, ये एक पूरा इलेक्शन कमीशन है, पूरा इलेक्शन कमीशन इंतहाई सीजनड और सीनियर लोग हैं, कलेक्टिव विजडम इस पर अप्लाई होगा, इस तरह तो नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन की सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पूरे कौम को, पूरे मुल्क को, तमाम सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो और साथ में सबको एक एक परफेक्ट जस्टिस भी हो। कोई भी जज कभी नहीं चाहेगा कि किसी के साथ कोई भी ना इंसाफी हो। तो नहीं, ना इंसाफ की बात नहीं है, बस मैं कानूनी मामले पर आपसे जानना चाह रही हूँ, कानून क्या कहता है, फंड जो है वो जब्त हो जाएंगे या पार्टी तहलील हो सकती है? देखिए कानून में जो सूरत हाल है वो उसका इंटरप्रिटेशन के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन बैठा है, उस पर मैं क्या इंटरप्रिटेशन दे दूं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, उनके साथ में इमरान साहिबान है और वो एक कलेक्टिव विजडम से एक डिसीजन आएगा। क्या ये तो बहुत लीगल मैटर है, इसमें तो बहुत स्मॉल छोटी टेनवी नीसी से भी इन्वॉल्व हो जाती है और उन लीगल माइंड ने, उन कलेक्टिव विजडम ने उन सारी चीजों को देख कर फैसला करना होता है। जी अल्ताफ साहब, आखिर में अगर हुकूमत और अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तेफाक नहीं करती, जैसे सिंध और बलूचिस्तान के अराकीन है उन पर इत्तेफाक नहीं हुआ, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर फाल हो जाएगी या कोई एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होगी? देखिए ये जो मेम्बरान साहिबान आज से एक साल पहले रिटायर्ड हो रहे थे, तकरीबन एक साल गुजर गया, उससे पहले भी हमने बारहा, एक बार नहीं उससे पहले भी हमने हुकूमत को सिंसिटाइज किया था, उसके बाद भी हम बार बार तीन चार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखते रहे हैं कि ये सूरत हाल है और इसका हुकूमत कोई हल निकाले। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं आपको फॉर द फर्स्ट टाइम ये आप ही के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि ये कि अभी कोई डेढ़ माह पहले, तकरीबन सवा मंथ पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से ब्रीफ लिखा है, हमने उनको लेटर भेजा है और हमने उनको पूरे सूरत हाल से आगाह किया है। और आपको ये भी बता दूं कि चंद दिन पहले हमने उनको रिमाइंडर भी भेज दिया है कि सूरत हाल ये बनती जा रही है। तो ये इलेक्शन कमीशन अगर अराकीन की अपॉइंटमेंट होती है या उनकी कंसल्टेशन होती है तो ये न इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है और न ही इलेक्शन कमीशन का ये कोई इस्तेहकाक है। ये जाहिर है आपको को मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर या फिर पार्लियामानी कमेटी, यानी मतलब ओवरऑल ये पार्लियामेंट ही का इस्तेहकाक है और पार्लियामेंट के हवाले से हमने गवर्नमेंट को सेंसिटाइज कर रखा है। अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अकबर साहब मैं आपकी जानेब यहाँ आती हूँ, रोजाना की बुनियाद पर स्क्रूटनी कमेटी तो बैठ रही है लेकिन चौदह नवंबर 2014 को आपने दरख्वास्त दायर की थी, तो अब तेजी की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक केस है जिसके बड़े संगीन असरात पाकिस्तानी सियासत पे मुरतब हो सकते हैं और इंशाल्लाह होंगे। वो केस 5 साल से सुना जा रहा है। तो ये जो दावा है कि जी आखिरी 15 दिनों में कैसे फैसला हो सकता है, तो इसकी एक पूरी तारीख है। मैं तारीख आपको बयान कर देता हूँ कि 5 सालों में इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 60 से ज़्यादा, तकरीबन 70 के करीब हेयरिंग्स हो चुकी हैं इस केस की। तकरीबन 21 के करीब इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर्स पास किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। उसके बाद दिसंबर में 2016 में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लीगल इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाएंगे, तो इमरान खान ने एक ऐसा लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को जिसको फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बड़ी स्लीजी लैंग्वेज है, बड़ी खौफनाक लैंग्वेज है, कंटेम्पचुअस लैंग्वेज है, उस पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई। उसमें इमरान खान ने फिर इलेक्शन कमीशन में आके माफ़ी मांगी। उसके बाद फिर ये मामला चलता रहा, 7 रिट पटिशन्स हो चुकी हैं। 7वीं रिट पटिशन जो है वो अभी चंद दिन पहले उसकी हेयरिंग थी जिस दिन इमरान खान साहब कहते हैं अपनी पार्टी के नुमाइंदों को मीडिया के मुताबिक कि घबराने की कोई बात नहीं है। और उस 7वीं रिट पटिशन में भी ये इस्तदा है कि जी स्क्रूटनी कमेटी को रोका जाए। अब स्क्रूटनी कमेटी को क्यों रोका जाए, आपके तो कोई मामला में गड़बड़ है नहीं, तो ये 7वीं रिट पटिशन है। उसके बाद जब ये मामला तवालत इख्तियार करता है और कोई हल नहीं निकलता और ये तमाम रिट पटिशन्स जो हैं ये एक या दूसरे तरीके से रिजॉल्व हो जाती हैं, तो फिर मार्च 2018 में
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक स्क्रूटनी कमेटी बनाता है, स्क्रूटनी कमेटी में दो ऑडिटर्स हैं और उनके जो डीजी लॉ हैं वो उसको हेड करते हैं। अब उसके बाद जब उसकी प्रोसीडिंग शुरू थी उसका मैंडेट एक महीने का, स्क्रूटनी कमेटी का मार्च में जब बनी उसका एक महीने का मैंडेट था कि आपने फैक्ट फाइंडिंग करके बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। फिर पीटीआई उनसे कोऑपरेट नहीं करता, उसका दो महीने टाइम एक्सटेंड हो जाता है, फिर पीटीआई उनसे कोऑपरेट नहीं करता, इनडेफिनेट पीरियड के लिए स्क्रूटनी कमेटी को एक्सटेंड किया जाता है। अब जब वो एक्सटेंड होती है तो ठीक है, मैं अकबर साहब में इसलिए आपको यहाँ रोकती हूँ क्योंकि जो 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 आपने मामलात उठाए हैं जिसको कहा जाता है कि ये ताखीरी हरबे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मैं जवाब चाहती हूँ। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमें वक्त देने का। फैसल साहब, सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि 5 साल हो गए इस केस को बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 24 बार तो हिदायत दी है, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ मंगवाए भी हैं, क्या वजह है कि आखिर इसको निपटाया क्यों नहीं जा सकता, ख़त्म करें, स्क्रूटनी कमेटी इसको देखे, जो भी सवालात हैं वो यहीं इनके जवाब मिल जाएँ। देखिए ये सियासी बात है, ये कहना कि इतने ऑर्डर हुए हैं या ये हुआ या वो हुआ, ये तवालत हुई है। अदालतें और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को खुद रेगुलेट करते हैं और अगर जब तक कोई कानूनी जवाब नहीं हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब ये समझते हैं कि अदालतें ऐसे केसेस को टेकअप नहीं करती हैं जिसमें कानूनी जवाब नहीं होता। ये मामला जो है जब कानूनी तौर पर देखे जाते हैं, सियासी तौर पर बात करना आसान होती है, सियासी तौर पर जो है वो कानूनी जो बारीकियाँ हैं उनको मद्देनजर भी नहीं रखा जाता, जो कि कवानीन की जो रिक्वायरमेंट है उनको भी मद्देनजर नहीं रखा जाता। जब ये कानूनी तौर पे बात होती है तो किसी भी फरीक का हक होता है कि वो कानूनी तौर पे अपनी जंग लड़े और ये चीज जो है अदालतों के सामने रखे। अगर वहां पे कोई गैर कानूनी चीज नजर आती है तो हर फरीक का ये हक होता है और इसी फरीक हक को इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के खिलाफ नून लीग जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, जहाँ पे ये केस जो है इस साल उसकी स्क्रूटनी हुई और साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस केस से हवा निकाल दी, ये कह के कि ये कोई फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का मैक्सिमम केस है और उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो सवाल यही पैदा होता है जी फैसल साहब, सवाल यही पैदा होता है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम शफाफियत में यकीन रखते हैं, एहतसाब में यकीन रखते हैं, साथ साथ वजीर आजम इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में ये भी कहा था कि जब एहतसाब का अमल होता है हमसे शुरू करना चाहिए, तो आखिर इस स्क्रूटनी कमेटी के जो हियरिंग्स है इसको खुफिया रखने की फिर बात क्यों कही गई? सब कुछ सामने है, ऑडिट रिपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक सब वाजे आसान है, सब कुछ हो जाएगा, क्यों फिर खुफिया रखने की बात होती है? देखिए बात यह है कि जो अकाउंट्स होते हैं ये कानूनी तौर पे भी जो है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होते हैं, इलेक्शन कमीशन और पार्टी का मामला होता है, एक तो ये उसकी डिमांड है। दूसरी बात ये है अमर, देखिए पाकिस्तान की तारीख जो है इस किस्म के वाकयात से ये भरी पड़ी है। भुट्टो दौर में नैब को उस वक्त बैन किया गया और एक साल बाद पाकिस्तान में माशाल्लाह लगा। ये बड़ी ड्रेकोनियन अप्रोच है कि किसी भी पार्टी को किसी भी बहाने पे जब आप सियासी तौर पे जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सके तो उसको बैनिश करने की या उसको डिसबैंड करने की बात की अप्रोच अपनाई जाए और सोचा जाए। जहां तक ये बात है ये है कि एहतसाब का अमल जो है वो इदारों ने करना है, पीटीआई जो है एहतसाब के लिए हमेशा तैयार रही है और ये बात मतलब एक ये बात बताने की जरूरत नहीं है, रिट्रेट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब किया इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसी तरह वहां पे पेश होके और हर एक एक चीज का जवाब दिया, तो ये बात ये हर तरह सराही है। मैंने कहा ये सियासी केस है, ये कानूनी केस नहीं है, ये सियासी केस है, कानूनी केस नहीं है। फैसल साहब मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। अकबर साहब आपने फैसल साहब का मौका तो सुन लिया कि ये सियासी केस है, ये कानूनी केस नहीं है जी, और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये ना सिर्फ सियासी केस नहीं और सियासी केस ही है, ये भी कहा जाता है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ममनुआ फंड्स का केस है, जिसका ज्यादा से ज्यादा इस पे क्या होगा कि जो रकम है वो जब्त हो जाएगी और वो कौमी खजाने में जमा हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं यही नतीजा निकलेगा? बौखलाहट का शिकार है। देखिए ये कह रहे हैं कि पार्टी पे पाबंदी और पाबंदी की बातें कर रही है और ये पार्टियों को डिसबैंड करना, किसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगा जाए
और फिर ये नेशनल अवामी पार्टी का कहते हैं, तो क्या उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी उसने नेशनल अवामी पार्टी पे ये पाबंदी की, तो क्या ये इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन लगाने के चक्कर में है? मतलब ये क्या कह रहे हैं अपनी बोखलाहट में? और फिर दूसरी बात ये करते हैं कि ये सियासी, तो आप क्या समझते हैं अकबर साहब, अकबर साहब सजा होती है, सजा होती है फॉरेन फंडिंग साबित होती है तो फिर क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक? मैं बताता हूँ देखिए बात ये है कि केस क्या है, केस ये है कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है। गैर कानूनी फंडिंग दो तीन किस्मों की हो सकती है, और जरा इनको जरा चुप कराएं, इनको जरा चुप कराएं, मुझे पता नहीं चलता फिर मैं बात नहीं कर सकता। प्लीज इनको जरा चुप कराएं ना, इनको जरा चुप कराएं, ये मुझे समझ नहीं आती कि सरकारी, इस वक्त सरकारी वकील जो स्टेट के वजीर है वो एक सियासी जमात को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जरा इनको प्लीज अंबर, इनको प्लीज चुप कराएं, इस तरह मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है फैसल साहब आपने वाजे कर दिया, जो ये जो नुक्ता है आपने वाजे कर दिया। मैं चाहती हूँ अकबर साहब इस पर जवाब दें, अकबर साहब जवाब, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ वो यही है हाँ, कि आप क्या समझते हैं, क्या सलाह होनी चाहिए? मैं घर पे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गैर कानूनी फंडिंग दो तीन मुख्तलिफ तरीके से होती है। कानून कहता है कि इंडिविजुअल पाकिस्तानी, एक आम शहरी अपनी जाती हैसियत में सियासी जमात की फंडिंग कर सकता है। कोई पाकिस्तानी कंपनी भी फंडिंग नहीं कर सकती, कोई पाकिस्तानी एनजीओ भी नहीं कर सकता, कोई गैर मुल्की कंपनी नहीं कर सकती, कोई गैर मुल्की शहरी नहीं कर सकता। हम जो सबूत लेके आए उसमें ना सिर्फ गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की है बल्कि गैर मुल्की शहरियों ने फंडिंग की है। उसके अलावा इसमें बैंक अकाउंट्स को छुपाया गया है। लंदन में दो लॉयड्स बैंक अकाउंट है जो जिसमें मिलियंस ऑफ पाउंड एंड डॉलर्स के जरिए फंडिंग हुई है, वो इलेक्शन कमीशन से छुपाई गई है। जब स्टेट बैंक को खत लिखा गया, क्यों लिखा गया? इस वास्ते कि ये अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करते थे। 23 बैंक अकाउंट सामने आए, उसमें से सिर्फ 8 डिक्लेयर्ड है। वो जो बैंक अकाउंट्स है उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इलीगल फंडिंग हुई है, फॉरनर्स की भी हुई है और लोगों की भी कंसीलमेंट है। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी बनता है, इसमें कंसीलमेंट का भी बनता है। फिर हुंडी के जरिए तो मिडिल ईस्ट से फंडिंग हुई है, हमने सबूत दिया है कि प्राइवेट बैंक से। क्या आप चाहते हैं कि इस केस की वजह से अगर आपके हक में यह फैसला आता है तो फिर क्या पार्टी तहलील हो, या आप समझते हैं कि मजीद तहकीकात होनी चाहिए और मजीद जो सजा है वो और होनी चाहिए कि ये कौमी खजाने में पैसा जमा हो जाए? देखिए मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तब्दीली की जमात हमने बनाई थी, फैसल ने नहीं बनाई थी, मैंने इमरान खान और चंद लोगों ने बनाई थी। उस वक्त तो ये थे ही नहीं पीटीआई में। हमने ये जमात बनाई थी, कुछ चंद बुनियादी असूल थे कि हम पाकिस्तान में एक तब्दीली की जमात लाएंगे जो खुद करप्शन से आज़ाद होगी, जो खुद गैर कानूनी लोगों पर मुनसर नहीं होगी, जो गैर कानूनी काम करते हैं, जिसमें किसी किस्म की ये बुराइयाँ नहीं होंगी, ऐब नहीं होंगी। जब मैंने देखा कि पार्टी के अंदर करप्शन है, गैर कानूनी फंडिंग हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पर मेगा फंडिंग स्कैम है, मैंने ये मामला इमरान खान के सामने 2011 में इन राइटिंग एक लेटर के जरिए लिखा, जिसमें मैंने ये सितंबर 2011 में जिसमें मैंने तमाम ये निशानदेही की कि आपकी पार्टी में करप्शन है, आपकी पार्टी में फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, आपकी पार्टी में हुंडी के जरिए पैसा रहा। मैंने जब इमरान खान ने उस पर अमल नहीं किया, जब इस्लाह के रास्ते पर नहीं चला, तो मेरा बुनियादी फर्ज था कि मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मेरी वफादारी पाकिस्तान से है कि हमने धोखे की सियासत नहीं करनी, हमने मुनाफ़त की सियासत नहीं करनी। मेरा मकसद पहले दिन से और आज भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब्दीली की जमात बनाना है। इसमें जो करप्शन हुई, जो भी मुलविस है, चाहे इमरान खान है, चाहे उसके नीचे जो लोग फाइनेंसिस को हैंडल करते थे, दे मस्ट बी ब्रॉट टू अकाउंटेबल। मैं आप दोनों से सवाल करना चाहती हूँ जी। फैसल चौधरी साहब, मैं आपसे वहाँ यहाँ वजाहत चाहती हूँ। एक खबर है और इसमें ये लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 2015 को इमरान खान साहब ने एक एफिडेविट जमा करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आम शहरी हैं, उनको जवाब दे नहीं है फंडिंग के हवाले से। देखिए इस केस की हवा सुप्रीम कोर्ट निकाल चुकी है। नहीं, मैं बस इस केस पे वजाहत चाहती हूँ, ये एफिडेविट जमा करवाया था इमरान खान साहब ने या नहीं? प्लीज आप जो वजाहत चाह रही हैं आप वजाहत में मुझे देने दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में सारे मामला डील हो चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये इतना ही असूली मौकफ है तो दूसरी पार्टियों जिनके ऊपर इसी नौयत के जो इल्जाम है उनके केसेस को इकट्ठा करके क्यों नहीं सुना जा रहा?
ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का केस जब उठाया जाएगा तो लाजमी तौर पर उसको टारगेट होती हुई नजर आएगी। पिछले 5 साल में नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत थी, उन्होंने इस सिलसिले में क्या किया, इधारे अकाउंटेबिलिटी करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सुप्रीम और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ा और तो आप अभी भी समझते हैं, आप अभी भी समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है? इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं उनकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कर चुकी है, कानून उस मामले में बड़ा क्लियर है। लेकिन आपने अभी भी जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। आप वजाहत में चाह रही थी कि 26 नवंबर 2015 को इमरान खान साहब ने एफिडेविट जमा करवाया था और उस एफिडेविट में ये कहा गया था कि फंडिंग के हवाले से इमरान खान साहब जवाब दे नहीं है और आप जो पाकिस्तानी शहरी उसको। ये एफिडेविट देखिए जो कानून के मुताबिक मैंने पहले अर्ज किया, इसकी वजाहत दोबारा जरूरी नहीं थी। मैंने अर्ज किया था कि जो पार्टी के फंडिंग के मामला होते हैं वो इलेक्शन कमीशन और पार्टी इसके दरमियान होते हैं, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होते हैं। यानी किसी भी अगर पब्लिक कंजम्पशन के लिए सब चीज पार्टियों के हैं तो इसी किस्म के इल्जाम जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी है। मेरा पहले दिन से भी ये साथ है कि इन सबको केसेस को इकट्ठा करके सुना जाए। मकसद ये है, देखिए आप किसी भी चीज के ऊपर जब जाते हैं तो पहले एक मैला फिटी या बोनाफाइडी देखा जाता है। बोनाफिटी जो है ये पटिशन बोनाफिटी पटिशन नहीं है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा के ऊपर जो है ये बुनियाद है। और जब ये मतलब ये देखे ये करना कि इसमें ये हो गया वो हो गया, आज तक कोई चीज ये इल्जाम की हद तक है। अभी ये स्क्रूटनी हो रही है, कानून के मुताबिक होगी, कानून से मावरा ना कोई बात पहले हुई है ना अभी होगी, इदारे कानून के तहत चलते हैं, किसी भी आपकी मेरी या किसी और फरीक की ख्वाहिशात के ताबे नहीं चलते। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुकी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्क्रूटनी कमेटी का क्या फैसला आएगा, जाहिर वो भी इंतजार हम फरमा रहे हैं। अकबर एस बाबर साहब, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ, बार बार कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, आप समझते, मैं आपका मौकफ जानना चाहती हूँ, आप समझते हैं कि तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसमें शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या ये सब इनकी इकट्ठा स्क्रूटनी होनी चाहिए फॉरेन फंडिंग के हवाले से? देखिए जहां तक मेरा तो मकसद ही यही था कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं इनको कानून के नीचे लाएं, इसमें जो गैर कानूनी जो काम होता है उसको रोका जाए, इसको बादशाहत से आज़ाद किया जाए कि इंडिविजुअल एंड फैमिली फीफडम्स बन जाते हैं। तो मेरा तो बुनियादी मकसद ही ये था। लेकिन ये कहना कि जी पहले उनको भी हमारे साथ, यानी अगर आप एक मुलजिम है और साथ दूसरा भी एक मुलजिम है, आप कहते हैं जी इस पर भी ये इल्ज़ाम है, इसको भी मेरे साथ बिठा के एक ही वक्त में फैसला सुनाऊँ, ये मैंने आज तक ये लॉजिक सुनी नहीं। ये इमरान खान की हो सकता है लॉजिक या उसकी टीम की लॉजिक हो सकती है कि जी मुझे उस वक्त तक आप एहतसाब नहीं कर सकते जब तक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम है उसका भी। मैंने केस किया 2014 में, इन्होंने केस किया 2017 में, तो वो 3 सालों के दरमियान में ये केस की अपनी एविडेंस है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, इसकी अपनी एक पूरी एक लाइफ लाइन है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बताता हूँ मसला, सुप्रीम कोर्ट की ये बार बार बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉरेन फंडिंग का जो एलिमेंट था वो सिर्फ उसमें एक दो कंपनियों का अमेरिका का जो एविडेंस था इलेक्शन कमीशन से लेके उन्होंने कर दिया। मुझे तो उसकी तफसीलात नहीं पता, पर मैंने केस का वर्डिक्ट पूरा पढ़ा है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप एक ऑलरेडी केस चल रहा है, यानी मेरा केस जो था, इस पर आप तो अपना फैसला सुनाएं, उसके बाद इसके जो कानूनी पहले हैं यानी जो इसकी इम्प्लीकेशन है कि क्या इमरान खान डिसक्वालीफाई होता है कि उसने जाली सर्टिफिकेट दिया वगैरह वगैरह वगैरह, जो इसकी वो बाद में आएंगी, आप पहले एक फैक्ट फाइंडिंग करें कि जी गैर कानूनी फंडिंग हुई है कि नहीं हुई। उन्होंने तो कोई फैसला नहीं सुनाया जिसकी ये बात कर रहे हैं। अब तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे से यानी इनसे एक सवाल पूछिए कि ये जल्दी से क्यों अकबर साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया है जी, एक 10 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वर्डिक्ट दिया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हिस्टोरिकल अब्यूज ऑफ लॉ किया है टू डिले द केस। मुझे ये बताइए कि कौन सी मदीना की रियासत का कौन सा खलीफा है जो इंसाफ की राह में रुकावट खड़ा करे, इंसाफ के सामने पेश ना हो और इंसाफ के सामने और ये उसके खिलाफ फैसला आ जाए, वो कैसे इस्तीफा नहीं देता? बाकी बातें तो छोड़े गैर कानूनी फंडिंग की, जब इलेक्शन कमीशन एक आईनी दायरा कह रहे हैं कि आपने, आप हैं हुकूमत, हुकूमत का जो वजीर आजम है उसका मकसद है कि पाकिस्तानी शहरी को इंसाफ मिले, उसके इंसाफ के लिए रास्ते हमवार करें, उसके लिए कोई रुकावट ना बनाए, वो खुद जब रुकावट बनता है। मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ा, बस वक्त खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब और अल्ताफ खान साहब। अब हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, लेकिन हम ब्रेक के बाद बात करेंगे मायजा हमीद साहिबा और उस्मान डार साहब और सना बुचरा साहिबा से, कुछ सियासी जो इसके मुहरिकात है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके सियासी असरात, इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे महंगाई की। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मायजा हमीद साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की नुमाइंदगी कर रही हैं, और सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ, उनको होना था सीनियर तज्जियाकार लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से वो हमारे साथ नहीं होंगी। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मायजा साहिबा, मैं आपसे यहाँ शुरू करना चाहती हूँ, केस जैसा भी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का है वो अलग बात है, लेकिन उनका मौकफ ये है कि ये सब जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो केसेस थे ये सब इकट्ठा सुने जाने चाहिए। बात में दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर, बात ये है कि जो पर्टिकुलरली फॉरेन फंडिंग की बात की जाए तो जो केसेस हमारे खिलाफ किए गए हैं तो करें, पहले भी कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कौन था, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, अकाउंटेबिलिटी हमारे हर इंडिविजुअल की हो रही है। तो आप समझते हैं कि जो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी जो है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से लेके फिर उससे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से लेके हर वज्रा से लेके किस किस की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, आप मुझे बता दें। लेकिन एक बतौर सियासी जमात के फंड्स कहां से आ रहे हैं, किसने क्या क्या है, कौन दे रहा है, इसकी स्क्रूटनी मैं अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुरू हो रही है। वी हैव बिस्मिल्लाह रहमान, कहना मैंने छोड़ बोलना पहले था, बात यह है देखें हमें कोई इशू नहीं है, हमें किसी किस्म की, हमने चोरी नहीं की, आप अकाउंटेबिलिटी करें, हम अकाउंटेबिलिटी से डरते नहीं हैं। बात यह है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जो पार्टी पावर में, उस पार्टी का जो सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि वो एक साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन कमीशन में क्लेरिफाई कर दें कि उनका फॉरेन फंडिंग में के जो अकाउंट्स हैं उनमें कोई दाल में काला नहीं है, ठीक है। इंस्टेड क्या हो रहा है कि हम भी इस पिछली हुकूमत में भी पिछले 5 साल से ये देख रहे हैं कि यहाँ इनके वकला जो हैं वो उनको डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि जो है हर जो हेयरिंग है उस पर जो है अगली डेट मिल जाए, अगली डेट मिल जाए, और इस तरह 5 साल गुजर गए हैं। सो माई पॉइंट इज़ कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो सामने लेके आए, फॉरेन फंडिंग केस ख़त्म हो जाएगा। आप पैनामा पेपर्स की बात करते हैं, हम पैनामा पेपर्स से कंपेयर करेंगे ना, आपसे यही कहा जाता है ना कि आपने मनी ट्रेल ली थी। नहीं, लिसन, पैनामा पेपर मैं इसको इस तरह कंपेयर करती हूँ कि पैनामा पेपर्स में आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्योंकि एक हेड हैं स्टेट के तो उनको जो है मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्योंकि पैनामा पेपर इज ऑल अबाउट हिम, ऑल दो इतने बड़े पैनामा में तो बहुत ज्यादा नाम थे। जब इनका मुतालबा था तो इनको भी ये करना चाहिए कि नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिये ये तो वेरीफाई कर दिया स्टेट बैंक ने कि 20-23 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें खुर्द बुर्द हुई हुई है, जो जिनको जांच पड़ताल की जरूरत है, जिनके अंदर जो है फॉरेन फंडिंग हुई हुई है, ये तो एक फैक्ट है, ठीक है, ये हमने नहीं कहा। तीसरी बात ये है, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हम भी ये कहेंगे कि ये भी तो इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, तो इनको हट जाना चाहिए ना, साइड पे हो जाना चाहिए। यानी कि आपका मैं यहाँ रोकती हूँ इसे, क्योंकि आपने मयार की बात की थी, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये जो मयार सबके सामने कौम के सामने रखा था, पैनामा केस का हवाला दिया था आपने, मैं एक क्लिप सुनाना चाहती हूँ उस्मान साहब, सुनिए जी। उस्मान साहब, एक जवाब जो मैं आपसे चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ, आप चाहते हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसको जल्द निपटाया जाए ताकि ये जो दाग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, जो सवालात उठते हैं, जो बार बार इस पे स्टोरी रिपोर्ट होती है, ये धुल जाए। देखिए, ना ही हमारे दामन पे कोई दाग है, ना ही हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना ही हमारे कोई पनामा पेपर्स में उस तरह से नाम आए हैं कि हम घबरा जाए। जब ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा तो फिर ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, मतलब ये कहने का है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था। देखें, 26 तारीख से अब जो केस है वो रोजाना की बुनियादों पे सुना जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस बात से मुझे इख्तलाफ है
ये अपोजिशन वाले रॉबर्ट्स कमेटी जो है ये बार बार अब तो इलेक्शन कमीशन के बाहर आ गई है और वहां आके कहते हैं जी के मनी लॉन्ड्रिंग और हमने फॉरेन फंडिंग पकड़ लिया है। कहां अभी तक सामने आया है कि पीटीआई ने किसी फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा लिया है या किसी डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लिया है या हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लिया है? किस स्टेट बैंक ने कहा है खुद? अकाउंट्स की बात आप कह रही हैं, अकाउंट्स तो इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं ना। जो फॉरेन फंडिंग है, द वर्ड फॉरेन फंडिंग उस सूरत में होगा किसी गवर्नमेंट का, किसी डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशन का या पॉलिटिकल पार्टी का पैसा आया है, उस सूरत में भी या किसी गैर मुल्की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो केस को शामिल है या चलें आप उसको भी शामिल कर लें, उसके बावजूद ये इस्तेकाक जो है फेडरल गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अदालतों का है उसका फैसला करना, जो भी उसके कवानीन है। अकबर एस बाबर साहब जो फारा की वेबसाइट थी, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसकी वेबसाइट से हमारे जो डोनर्स थे जो हमें मेंबरशिप बेचते फी बेचते थे हर महीने, उनकी फोटो कॉपीज डाउनलोड करके इलेक्शन कमीशन में ले आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को तो पहले चाहिए था कि वेरीफाई करते कि ये हमें मिलाइन करने के लिए तो नहीं आगे, लेकिन उसके बावजूद हमने नहीं, वो तो सब इलेक्शन कमीशन ने मैं आपको से रोकती हूं पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कोई 24 बार हिदायत दी है कि उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से दस्तावेजात फराहम किए जाएं। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने कहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बैंक से फिर उनको अकाउंट्स की कुछ तफसीलात थी वो फराहम की। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो मंगवाया था का, जो, जो, जो एक इंडिपेंडेंट देखिए दो तीन जो चीजें समझने की जरूरत है। एक तो ये पूरे का पूरा जो केस है, जब हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब पे केस किया, इसको कट पेस्ट करके उसका हिस्सा बनाया, उस केस के अंदर उन्होंने ये भी क्लेम किया था जो आज अकबर एस बाबर साहब कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का वहां उस पर भी एक फैसला एक पैरा मौजूद है इलेक्शन कमीशन को जो भी उन्होंने कहा है। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इलेक्शन एक्ट कहता है कि हमने 5 साल के ऑडिटेड अकाउंट देने हैं, हमने इनको 5 साल के ऑडिटेड अकाउंट दिए, इन्होंने मजीद मांग लिए 2009 से लेकर 19 तक 10 सालों के ऑडिटेड अकाउंट दे चुके हैं, 40,000 के करीब रसीदें दे चुकी हैं जो एक भी नहीं थी निकली PMLN की। हम 40,000 रसीदें उनको खुफिया रखना चाहिए क्योंकि ये आपके अपने बयानिए के खिलाफ है। मैं इस नैरेटिव देखे नहीं ये भी गलत नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। देखिए खुद हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो कमेटी बनाई है वो अपने फैसले पे अमल दरामद करे, उनका अपना फैसला मौजूद है कि कोई चीज पब्लिक नहीं की जाएगी जब तक हम फैसला नहीं सुना देते या हतमी फैसले पे नहीं पहुंचते। हम तो उनको कह रहे हैं आप अपने फैसले पे अमल दरामद करें, जो आपने खुद कहा है कि कुछ पब्लिक नहीं किया जाएगा जब तक फैसला सुनाया नहीं जाएगा। अब ये लोग कहते हैं हम भाग रहे हैं, एक तरफ उनका अपना फैसला मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अब 26 तारीख से रोजाना की बुनियादों पे केस सुना जाएगा, आप समझते 15 दिन में फैसला आ जाएगा, हम मुतमिन हैं, मुमकिन है। मुझे लेकिन मुझे देखे अंबर, मैं टू बी हॉनेस्ट विद यू, मुझे फैसला आ नहीं सकता ना, 5 दिसंबर को तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान से भी इस पर बात की थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात की थी, तो वो कह रहे थे कि स्क्रूटनी कमेटी तो अपना काम जारी रखेगी। लेकिन मेरा इशू ये है, बात ये है, देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ उनसे कि देखिए बार बार ये जो आपने सीक्रेसी की बात की ना, इसको ये डिनाई नहीं कर सकते। सीक्रेसी की उनका मौकफ सीक्रेसी की एप्लीकेशन इन्होंने दी। सीक्रेसी की एप्लीकेशन क्यों दी? जब पैनामा पेपर्स का केस चल रहा था तो हर वक्त हर एक टिकर चलता था पूरे दिन में, और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और एक एक फैक्ट को बाहर निकाला जाता था। तो आज सीक्रेसी का क्या इन्होंने डिमांड क्यों कर दिए? सीक्रेसी की डिमांड इसलिए की है क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग। अभी इनके वकला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स को। अगर इलेक्शन कमीशन हर मेंबर के अकाउंट को स्क्रूटनाइज कर सकता है और उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है,
तो अगर हर पॉलिटिकल पार्टी का भी यही उसके ऊपर ये अप्लाई होता है कि उनको स्क्रूटनाइज किया जाए, और अगर उसमें जो है कुछ चीज़ें जो हैं बेजाबतियाँ पाई जाती हैं तो उसको जो है डिसॉल्व किया जाए। इनको खौफ इस चीज़ का है कि ये चीज़ ये बहुत सीरियस मामला है, अमेरिका से फंडिंग हुई हुई है, इंडिया से फंडिंग हुई हुई है, जो लॉबीज, एक मिनट मुझे ख़त्म कर लेने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉबीज ने फंडिंग की है, वो फंडिंग जो है वो अब एक ऐसी वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है जो पाकिस्तान चला रही है। अब मुझे बताएं वो जो लॉबीज हैं, देखिए ये साबित तो नहीं हुआ, ये साबित तो नहीं हुआ ना कि लॉबीज हैं, कंपनीज हैं, ऑफशोर कंपनीज का दावा है, क्योंकि अमेरिकन और इंडियन कंपनीज जो भी वो हैं उन्होंने जो फंडिंग की है उनका कोई एजेंडा तो होगा ना, वैसे तो कोई मुफ्त में पैसे नहीं देता, आई डोंट बिलीव दिस। तो अगर एजेंडा था, एजेंडा है, तो क्या पाकिस्तान में वो एजेंडा परस्यू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, मैं ये सवाल करती हूँ, दैट इज द मोस्ट डेंजरस पॉइंट। लेकिन माइसा साहब आप यहाँ मैं आपको रोकती हूँ क्योंकि मैं कुछ तफरीक करना चाहती हूँ। गैर कानूनी ममनुआ फंड फ़र्क होते हैं और जो फॉरेन एडेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जिनको फंड्स मैसर होते हैं किसी सियासी जमात से, जो गैर मुल्की सियासी जमात हो या हुकूमत जो गैर मुल्की है, तो उसका मामला और होता है, वो ज़्यादा संजीदा है, उसका नतीजा ये निकल सकता है अगर वो साबित होता है कि तंजीम जो है जो जमात है तो साबित तो होने नहीं दे रहे ना, इट्स बीन 5 ईयर्स, आप मुझे बताएं ना, 5 साल हो गए हैं, इनके वकला क्यों तारीखों पे तारीखें ले रहे हैं उस्मान साहब। और आप मुझे एक और बात इनसे पूछ के बताएं, क्या इमरान खान ने नहीं कहा था कि फोर्स नहीं किया था कोर्ट को कि रोज के रोज पनामा पेपर्स की जो है हियरिंग होनी चाहिए? अब डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अब तो खैर मक्तम करें उस्मान साहब, अब तो खैर मक्तम करें ना, ताखीरी हर भी तो इस्तेमाल की उसमें, और मैं ये भी बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने भी बता दूं, ये कह दिया है, ये भी बता दूं अंबर कि इन्होंने ये जो बार बार हम पे ऑनस्लॉट कर रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने सीक्रेसी की बात की, ये सीक्रेसी जो खाकान अब्बासी का केस चल रहा है उसमें सीक्रेसी की डिमांड की कभी खाकान अब्बासी ने? मरियम नवाज का केस चल रहा है, क्या सीक्रेसी की डिमांड की मरियम नवाज ने? नवाज शरीफ का केस चल रहा है, क्या सीक्रेसी की डिमांड की? ख्वाजा साद रफीक का केस चल रहा है, क्या सीक्रेसी की डिमांड की? आज इनकी सीक्रेसी की डिमांड क्यों है? सीक्रेसी की डिमांड तभी होती है व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द अकाउंट। अच्छा उस्मान साहब, अच्छा वो पनामा लीक्स का जो वॉल्यूम 10 था सुप्रीम कोर्ट में, वो किसने कहा था ना खोला जाए, जिसके अंदर बड़े बड़े राज थे आपके, तो आपने तो बड़ा सर, कुछ छुपाया। जीआईटी रोज सुबह दोपहर शाम आती थी और आके कोर्ट के सामने पेश होती थी और ये सब कुछ पब्लिक होता था, इट्स अ फैक्ट। अच्छा 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 मेरी बात सुन ले। अच्छा अंबर, दो तीन चीजें मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो अब केस 26 तारीख से सुना जा रहा है, तो इसलिए जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग की दे इसलिए आपको दुख हो रहा है इलेक्शन और इसलिए उस्मान साहब आप खैर मकदम कर रहे हैं ना? मुझे दुख, अब उनके पास चॉइस क्या है? मुझे बताएं, मैं खैर मकदम कर रहा हूं, मुझे बताएं उस्मान डार साहब के पास चॉइस क्या है? अंबर मेरी बात सुने, जब इमरान खान साहब अदलिया के ऊपर तनकीद करेंगे तो फिर रिजल्ट भी तो भुगतने पड़ेंगे ना, जैसे आपने भुगते थे। नहीं, अच्छा अदलिया को क्या कहते रहे हैं? क्या कहते रहे कि परफॉर्मेंस उनकी सही नहीं है? भाई तुम्हारी तो अपनी परफॉर्मेंस, देखिए आपका मौका सामने आ गया, मैं चाहती हूँ उस्मान साहब जवाब दें। अच्छा बात तो करने देना ये, अच्छा मेरी बात सुने। देखिए मुझे इन दुख नहीं, मुझे इन रॉबर्स कमेटी वालों के ऊपर जो है ना तरस आ रहा है। पहले तो 14 दिन इन्होंने थिएटर लगाई रखा कंटेनर के ऊपर, इस्तीफा लेके जाएंगे, नए इलेक्शंस होंगे, प्लान ए बी सी सब नाकाम हो गया, बुरी तरह पिट गया। अब कौम देख रही है सारी की सारी, जो रॉबर्ट्स कमेटी है वो आके बाहर बैठ गई है इलेक्शन कमीशन के, जहां अकबर एस बाबर नामी शख्स एक फॉरेन फंडिंग की ऐसी देग लगा के बैठा है जिसके अंदर से पता नहीं कितने के डॉलर निकलने हैं, ये सारे वहां पहुंच चुके हैं और इनको मिलना कुछ नहीं है, इसलिए कि हमारे हाथ साफ है और हमें खुशी है 26 तारीख से रोजाना की बुनियादों पे ये केस सुना जाने लगा है। अब 5 साल तो रसीदें देना, कौम इनसे रसीदें निकाले, रसीदें निकाले, रसीदें निकाल के इलेक्शन कमीशन को दे, मीडिया को दे, मीडिया आपको अभी अभी क्लियर कर देगा। इसीलिए सवाल करना चाहती हूँ और आप जवाब देने का पूरा मौका होगा उस्मान साहब। उस्मान साहब
रसीदों के हवाले से आपने कहा कि तमाम रसीदें जो हैं वो फराहम कर दी जा चुकी हैं। अब पहली अप्रैल 2015 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें बहुत सारी जो तफसीलात हैं और जो जराए थे फंड्स के वो मौजूद नहीं थे। अगर अब हम 2018 की तरफ आए, जो 16 जुलाई 2018 ये कहा गया था जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंक अकाउंट्स की कुछ तफसीलात आई थी कि 23 बैंक अकाउंट्स थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही थी, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 डिक्लेयर्ड थे। अच्छा, मेरी बात सुननी है अब आपने। देखिए अंबर, एक तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, बार बार रसीदें मांग रहे हैं। 40,000 जो अकाउंट्स थे जो हमारे हमें डोनेशन भेज रहे थे उनकी रसीदें जमा करा चुके हैं, 40,000। अब इनका तो क्लेम अभी अभी जो मैंने आपसे सवाल किया है कि तमाम रसीदें नहीं फराहम हुई, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतमईन नहीं था। जो आपके जवाब देने लगा, 8 जो आपके डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा थे, 23 नहीं थे। तो तमाम रसीदें, तमाम तफसीलात तो नहीं फराहम की गई। मैं इन्हीं देखे इन्हीं तेईस की मैं बात करने लगा था। सिर्फ 23 अकाउंट या 23 रसीदें हैं पाकिस्तानियों जिनकी ये बात कर रही हैं। पहले मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था, अब आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना। 40,000 रसीदें दे के भी इनका दिल नहीं भरा, बार बार रसीदों की बात करते हैं। मुझे तो लग रहा है PMLN वालों ने कोई रद्दी या कबाड़िए का काम शुरू कर दिया, इसलिए रसीदे कड्डो रसीदे कड्डो। 40,000 दे के भी तसली नहीं इनकी हुई। अब असल बात ये है, रसीदे कटना लगा जो आपने शुरू की थी, यू स्टार्टेड इट, यू आपने कहा था रसीदे निकालने और आपने जब रसीदे दी थी तो हमें तो इकामा में निकाल दिया था। बाद में अभी क्या सुनो, बात आप सही करें ना, क्लेरिफाई करें। आपको बैंक से बैंक अकाउंट्स का पूछना है, आप क्या कह रहे हैं रसीदों रसीदों का? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि रसीदे आप निकाल दें, हमें तो रसीदों की बात करते थे, हमें तो इकामे में निकाला, फिर रसीदों पे तो नहीं निकाला। आप लोग देखिए अंबर, इन लोगों के जराए आज तक कौम के सामने नहीं आए, हम तो फिर भी 40,000 की बात कर रहे हैं, रसीदे दे दिया। अच्छा असल अब बात सुने 23 अकाउंट की। देखिए ये जो 23 अकाउंट को क्लेम कर रहे हैं, या अकबर एस बाबर साहब बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। अंबर, मैं अकबर एस बाबर साहब की बात नहीं कर रही, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रही हूं। इलेक्शन कमीशन को ले लें, चले इलेक्शन कमीशन को ही ले लें, उन इलेक्शन कमीशन को ही ले लें। और उन 22-23 अकाउंटों में 2 अकाउंट के सिग्नेटरी खुद अकबर एस बाबर साहब हैं। ये सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, अवाम को कौम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 26 के बाद दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। ये जिस तरह बैंक कर रहे हैं ना, अपनी एतमाद है, एतमाद है, पूरे एतमाद है पाकिस्तान तरीके से। अब ये अकबर एस बाबर के 5 साल में, ये भी कहूंगी 5 साल में ऐड करना चाह रहा हूं, छोटा अरसा नहीं है, छोटा टाइम नहीं। अच्छा अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ माइजा साहब, मैं आपसे यहाँ सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से बात की, अपोजिशन की बात की, 2 तकारीर थी जिसमें बहुत ज्यादा गुस्से में नाराज तंजिया उन्होंने जुमले कसे थे। लेकिन अब इरशाद भट्टी साहब, उनकी मुलाकात हुई थी वजीर आजम इमरान खान से और उनका यह दावा था, उनका कहना था कि वजीर आजम साहब को गुस्सा इसलिए है क्योंकि उन पर तंज किया जाता है अपोजिशन जमातों की जानब से और उनकी अहलिया पर भी तंज किया जाता है। मैं कुछ क्लिप सुनवाना चाहती हूँ जिसपे वजीर इमरान खान की जहनी हालत के बारे में क्या कहा गया है, सुनिए। माइजा साहबा, आपसे जवाब, इमरान खान साहब का गुस्सा क्या इन्हीं बयानात की वजह से और मजीद उसको इश्तियाल नहीं देता? इमरान खान साहब का आपको पता ही है, जहनी मरीज तो हैं ही, जिस तकरीर पर जाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे या तो अदलिया पे तनकीद कर देते हैं या उनके उनके दिमाग के ऊपर नमिया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सवार हैं। मुझे ये बताएं कि आज मेरा ख्याल है 2 दिन पहले इन्होंने कोई तकरीर की जिसमें उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में बात की। अब मुझे शर्म का मकाम है, देखें भाई, आपके शौकत खानम के खुद डॉक्टर ने वेरीफाई किया कि वो बीमार हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो जो है वो कोई बहाना बना रहे हैं, तो कोई ज़हनी मरीज ही ऐसी बात कर सकता है ना? यानी कि ये जो सब एक जिसको कह सकते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मतलब ये फाइन रहेगी क्योंकि आप ही कह रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ माइजा साहब, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। उस्मान डार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते लेकिन कुछ को क्लिप सुनवाना चाहती हूँ। आज अली अमीन गंडापुर साहब वजीर भी हैं, महंगाई के हवाले से उन्होंने क्या कहा, जाते जाते सुन लीजिए और अब हमारी होगी कल मुलाकात। खुदा हाफिज़।